पिछले लेक्चर में हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है और आज के लेक्चर में हमने देखना है कि उसी तरह हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, सो जैसा कि अगेन नाम से ही जाहिर है, जब आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, कोई से भी दो वेक्टर्स को ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें और आपके पास रिजल्टेंट एक वेक्टर आए, ठीक है, जैसे सी वेक्टर है, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और इसको हम शो करते हैं एक क्रॉस से, इसलिए हम इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपके पास रिजल्टेंट दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट जो है वो एक वेक्टर होता है, एक नंबर और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि और उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केलर प्रोडक्ट हमें बताती है कि दो वेक्टर्स में, दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के कितना पैरेलल हैं, उसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट भी हमें डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। और वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के कितना परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि वेक्टर प्रोडक्ट की ज़रूरत हमें कब पेश आती है और रियल लाइफ में इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। ये एक दरवाज़ा है, ठीक है, ये, और ये जो है आपको पता है कि दरवाजे की सपोर्ट यहाँ से, इस पार्ट से, ठीक है, आप इस पॉइंट पर, इस नॉब पे फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ या उससे ऑपोजिट, ठीक है, या इसको आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं या इसको पुश कर रहे हैं, ये एक फोर्स है। और ये जो दरवाज़ा है आपको पता है कि दरवाजे की सपोर्ट यहाँ से है, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, दरवाजे की सपोर्ट यहाँ से है, तो एक वेक्टर ये हमारे पास बनता है जिसको हम पाथ कह लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दरवाजे की सपोर्ट है, सपोर्ट से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट तक वेक्टर आर है और इस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं इसको, और ये फोर्स मैं अपनी तरफ दरवाजे खींच रही हूँ तो ये इफेक्टिवली इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन जब मैं अपनी तरफ खींचती हूँ तो ये दरवाज़ा ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, और जब मैं इसको पुश करती हूँ तो ये दरवाज़ा ऐसे रोटेट करता है, यानी दोनों केसेस में ये एक एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। ये अगर इसकी रोटेशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पर इस केस में इसकी रोटेशन, इस केस में इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है, यानी कि मैं इम्फेसिस करना चाह रही हूँ इस पॉइंट पर कि ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों मिलके एक रिजल्टेंट ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जो ना तो इसके पैरेलल है ना ही इसके पैरेलल है, बल्कि तीसरी क्वांटिटी है ये एक्सिस जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जिसमें दोनों वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो तीसरी डायरेक्शन में है, यानी इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं ये वेक्टर प्रोडक्ट है, और इसेंशियली ये जो क्वांटिटी है टॉर्क है जिसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि अगर इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिफाइन करेगी कि ऐसी क्वांटिटी को जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और आपको पता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन थीटा। सो हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं ए बी साइन थीटा, साइन थीटा भी एक नंबर है, ए और बी दोनों मैग्नीट्यूड है, तो इसके साथ डायरेक्शन के लिए हमारे पास आता है एन है। ठीक है, सो ये जो चीज़ है ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और ये जो है हमारे पास ये देता है डायरेक्शन, उस क्वांटिटी की डायरेक्शन जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है
ये जो डायरेक्शन है ये कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक रूल है. इस रूल को हम कहते हैं राइट हैंड रूल. ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा, आपको मैंने पहले भी कहा कि ये इन दोनों वेक्टर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होगी. मतलब अगर ये दोनों वेक्टर्स इस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ये जो रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी, जिसको मैंने सी कहा, ये इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा. ये दोनों वेक्टर्स इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये जो वेक्टर है ये अपवर्ड है, मेरी तरफ आ रहा है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है. ठीक है, और अब ये डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, ये अपवर्ड भी हो सकता है. तो वो जो है ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, ये निकालने के लिए हमारे पास राइट हैंड रूल है. राइट हैंड रूल आपको ये कहता है, ये एक सिर्फ आर्बिट्रेरी चॉइस है, लेकिन हम इसी से स्टिक करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा जो हम आर्बिट्रेरली चूज़ कर लेते हैं वो कन्वेंशन बन जाती है, फिर उसी को लेके चलते हैं. तो राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि अपना राइट हैंड जो है उसको आप ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं. आप जब ए क्रॉस बी आप कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड को आप पहले ए पर रखेंगे, ठीक है, और फिंगर्स को आप बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी से का मतलब है ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे. राइट हैंड की फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे ए से बी की तरफ, ये कर्ल है, ठीक है, और थंब को आपने सीधा रखना है. थंब को जब आप सीधा रखेंगे तो वो आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे देगा, जो इस केस में वर्टिकली अपवर्ड्स है. ठीक है, रोटेशन कैसे हो रही है, ये मैंने एरो लगा दिया, रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन ये फिंगर की, आपकी फिंगर्स जो रोटेट कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और इसकी आपकी डायरेक्शन जो आ रही है वो अपवर्ड्स है. ठीक है, ये बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल ये कहता है हमें. तो इसका मतलब है जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है एक्सिस जो है वो हमारा वर्टिकली अपवर्ड्स है. इसी तरह जब आपने बी क्रॉस ए फाइंड करना है, ये हम बना लेते हैं बी और ये हमारा ए, उसी तरह और इनका एंगल थीटा. अब बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए आपने अपना राइट हैंड बी पर रखना है और फिंगर्स को कर्ल करना है ए की डायरेक्शन में. ठीक है, राइट हैंड आपने बी पर रख के ए की डायरेक्शन में जो आप कर्ल करेंगे तो आपका थंब इस टाइम ये इनसाइड द बोर्ड चला जाएगा. तो इसका मतलब है अब जो आपकी डायरेक्शन है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या आती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब रोटेशन जो है ये ऐसे हो रही है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन. सो क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारे पास डायरेक्शन क्या आ जाती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब आप इन दोनों फिंगर्स, दोनों फिगर्स को आपस में कंपेयर करें. ये ए क्रॉस बी है, ये मैंने एरो भी लगा दिया रोटेशन का, और ये बी क्रॉस ए, ये रोटेशन का एरो. बी क्रॉस ए में डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ए क्रॉस बी में डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स है. तो और साइन थीटा आपको पता है, थीटा भी डिपेंड करता है, वो सेम होगा. इसका मतलब है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है. ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि ए क्रॉस बी इनफैक्ट इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए का, क्योंकि एक रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है. ठीक है, और इन बोथ केसेस में आपने नोटिस किया होगा कि ये जो हमारे पास वेक्टर है, ये डायरेक्शन असल में उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ये दोनों ए और बी लाई करते हैं. इस केस में ये वर्टिकली अपवर्ड्स है, ठीक है, और इस केस में वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, और इस केस में ये वर्टिकली अपवर्ड्स है. ठीक है, तो हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट में एन हैड जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी. ठीक है, ये हमारे पास जो हमने एग्जांपल की थी इसमें भी हम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं. ये आर है, ये एफ है, मैं इन दोनों की टेल्स कंबाइन कर देती हूँ. ये आर आर की टेल और ये एफ, ये असल में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है,
तो R के आप ऊपर आपने राइट हैंड रख के जब F की तरफ घुमाएंगे, R पे आपने राइट हैंड रखना है और F की तरफ उसको घुमाना है, तो R क्रॉस F की डायरेक्शन हमारे पास क्या आती है, वर्टिकली अपवर्ड्स। यहां से ये रोटेशन, ये फिंगर्स का कर्ल है और आपका थंब जो है ये आप करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। वर्टिकली अपवर्ड जो रोटेशन हमारे पास ऐसे हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। दोबारा राइट हैंड रूल की एक दूसरी फॉर्म ये भी है कि अगर आप अपनी राइट हैंड की तीनों थंब और दोनों फिंगर्स को, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, ठीक है, ये आपकी रेस्ट ऑफ द फिंगर्स, ये थंब, ये आपकी इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इंडेक्स फिंगर को आप वेक्टर ए के अलोंग रखें, मिडिल फिंगर को वेक्टर बी के अलोंग रखें, तो स्ट्रेच इरेक्टेड थंब जो है आपका, स्ट्रेट थंब जो आपने किया हुआ है, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो आपको डायरेक्शन देता है ए क्रॉस बी की, ठीक है। ये एक और फॉर्म होगी राइट हैंड रूल की। अब हम इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एक चीज तो हमने देख ली सबसे पहले, वो ये कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। उसका मतलब है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, बल्कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है नेगेटिव बी क्रॉस ए की। इसका मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये भी देख ली कि वेक्टर प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा इक्वल 90 है, क्योंकि ये आपको बताती क्या है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के कितना परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स जब 90 के एंगल पे होंगे एक दूसरे के साथ, जैसे यहाँ पर था, तो रोटेशन या इसका इफेक्ट मैक्सिमम होगा वेक्टर प्रोडक्ट का। और ये हमें, हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि ए बी साइन थीटा मैक्सिमम होता है व्हेन थीटा इज 90। सो व्हेन थीटा इज 90, ए बी साइन थीटा एन हैट इक्वल्स ए बी एन हैट, एन हैट हमारे पास डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि जब थीटा जीरो है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये फोर्स आर के पैरेलल लग रही हो, तो वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्टेंट में जीरो होगी, ठीक है। जब थीटा इज जीरो, रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट का जीरो होता है। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, इसका मतलब है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्या होता है, जीरो, क्योंकि इनके दरमियान एंगल जीरो होता है। लेकिन आई क्रॉस जे जीरो नहीं होगा, क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 का होता है। ये हम बनाते हैं अपने तीनों क्वाड, तीनों एक्सिस, आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, के जी एक्सिस के अलॉन्ग। सो आई क्रॉस विथ जे, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है। इसका मतलब है हमारे पास रिजल्टेंट में आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन 90, ठीक है, और साथ एन हैट डायरेक्शन। साइन 90 वन होता है, आई का मैग्नीट्यूड भी वन होता है, वन इंटू वन इंटू वन, और एन हैट क्या है, राइट हैंड रूल। आई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग अपना राइट हैंड रखें, कर्ल करें फिंगर्स टूवर्ड्स जे, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो के एक्सिस के लॉन्ग आता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ आई क्रॉस जे इज के। इसी तरह जे क्रॉस के आप निकालें तो वो होता है यूनिट वेक्टर आई के इक्वल, आई क्रॉस जे के इक्वल है, जे क्रॉस के आई के इक्वल है, और के क्रॉस आई
जे के इक्वल है, ठीक है। और अगर आप इनका रिवर्स निकालना चाहें, जे क्रॉस आई वो माइनस के इक्वल है, जब आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे राइट बाय राइट हैंड रूल तो वो माइनस के इक्वल आएगी। के क्रॉस जे माइनस आई के इक्वल है और आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल, ठीक है। और इसको याद करने का एक तरीका है, यहाँ वैसे तो आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये साइक्लिक हो, यानी आई पहले आता है जे बाद में आता है के उसके बाद आता है, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है और के क्रॉस आई जे होता है, ठीक है। और अगर ये नॉन साइक्लिक हो, यानी के क्रॉस जे हो तो वो माइनस आई के इक्वल होगा, जे क्रॉस आई हो तो माइनस के इक्वल होगा, ठीक है। इन ये दोनों तरीका है, ये आपके पास सही डायरेक्शन निकालने का तरीका और ये थोड़ा सा मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। अगर साइक्लिक हो तो पॉजिटिव होंगी और अगर साइक्लिक नहीं हो, यानी ऑर्डर जो है मैटर करता है, साइक्लिक नहीं हो तो वो नेगेटिव होगी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब और तीसरी चीज़ हमने जो पहले भी देखी थी वो ये है कि अगर थीटा 180 के इक्वल हो, तो अगर थीटा 180 के इक्वल है तो आपको पता है साइन 180 ही भी जीरो ही होता है, इसलिए अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं या वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास जीरो ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम जब है जब ये थीटा 90 के इक्वल है, जो हमने यहाँ पर निकाला, सही। और अगर पैरेलल है तो जब जीरो है, इसका मतलब है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जीरो वेक्टर, जीरो इन इटसेल्फ इज अ वेक्टर, आर्बिट्री डायरेक्शन होती है इसकी, ठीक हो गया। अब हम आखिर में जो करते हैं कंपोनेंट्स के थ्रू मल्टीप्लीकेशन, जैसा हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी किया था, ए क्रॉस बी, ए एक्स आई हैट प्लस वाई कंपोनेंट ए वाई जे हैट प्लस ए जेड के हैट, ठीक है, इनटू बी के कंपोनेंट्स बी एक्स आई हैट। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट टू डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसका रिजल्टेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के जिसमें ये दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं। तो इसका मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा एग्जिस्ट करती है 3D में, ठीक है, एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल, यानी कि टू वेक्टर्स अगर एक प्लेन में है तो उनका इफेक्ट थर्ड डायरेक्शन में होता है, उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एनीवेज हम करें ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इन देयर कंपोनेंट्स फॉर्म। तो ए एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने पहले लिखा था, ए एक्स आई हैट को आप मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के हैट, और इसी तरह प्लस आप मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई जे हैट को इन तीनों के साथ प्लस ए जेड के हैट को इन तीनों के साथ, ठीक है। अब आप देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास जीरो हो जाएंगे और कौन कौन से नंबर्स हमारे पास आंसर देंगे। ए एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स आई हैट क्या होगा, आई क्रॉस आई, हमने पिछली अभी हमने देखा कि आई क्रॉस आई हमेशा क्या होता है, जीरो। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए एक्स इंटू बी एक्स जीरो हो जाएगा, जबकि आंसर में ए एक्स बी वाई आएगा, ठीक है, क्योंकि आई क्रॉस जे क्या होता है, के, और प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के क्या होता है हम यहाँ से देखते हैं, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस जे, ठीक हो गया। इसी तरह हम करते हैं ए वाई जे को मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, ए वाई जे जब बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए वाई बी एक्स साथ जे क्रॉस आई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जे क्रॉस आई क्या था, जे क्रॉस आई है हमारे पास माइनस के, यहां मैंने लिख दिया माइनस के प्लस
ए वाई जे इंटू बी वाई जे जो कि ज़ीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे ज़ीरो है, प्लस ए वाई जे क्रॉस बी जेड के, यानी कि ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अब हम फिर देखते हैं कि जे क्रॉस के क्या है। जे क्रॉस के हमारे पास है आई, जे क्रॉस के हमारे पास है आई, ठीक है। प्लस यहाँ भी तीन और टर्म्स अभी रहती हैं, ए जेड के इंटू बी एक्स आई क्या होगा, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई। के क्रॉस आई हमारे पास क्या है, चेक करते हैं, जे। के क्रॉस आई हमारे पास है जे प्लस ए जेड के इंटू बी वाई जे, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, और के क्रॉस जे हमारे पास है माइनस आई, माइनस आई प्लस ए जेड के इंटू बी जेड के जो के ज़ीरो हो जाता है। सो जो नाइन टर्म्स हमारे पास आनी चाहिए उनमें से तीन टर्म्स ज़ीरो है, हमारे पास सिक्स टर्म्स पीछे बचती हैं। इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई, इसके साथ मैंने उसका कंपोनेंट नहीं लिखा, यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, ए एक्स बी वाई है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है के, ठीक है। सो ए एक्स बी वाई और इसके साथ इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करने का मतलब है कि कंपोनेंट वाइज लिखते हैं, आई, आई के साथ क्या है, आई को मैंने कॉमन लिया, पीछे है ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, प्लस जे कॉमन लिया तो मेरे पास है ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है, प्लस के वेक्टर यूनिट वेक्टर कॉमन लिया तो मेरे पास है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक हो गया। सो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अरेंज कर लिया। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है। आपने पढ़ा होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का। दो वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट हम डिफाइन करते हैं, ये मैंने ये आई जे के यूनिट वेक्टर्स, फिर आप आई के नीचे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, उसके नीचे वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट, फिर ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, और इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करते हैं, आई इंटू ए वाई बी जी माइनस बी वाई ए जी, ए वाई बी जी माइनस बी वाई ए जी, ये नंबर है तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और साथ माइनस का साइन यहाँ पर प्लस हो गया, और प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये जो है ये इक्वल है डिटर्मिनेंट के, जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके ए क्रॉस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। सो ए क्रॉस बी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, आई जे की और नीचे कंपोनेंट्स, उसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट के बरक्स आप देखेंगे इसमें पैरेलल कंपोनेंट्स जो हैं वो नहीं एग्जिस्ट करते, ए एक्स बी एक्स जीरो है, ए वाई बी वाई जीरो है, ए जेड बी जेड जीरो है, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ही चाहिए, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे, ये हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, वो ये है कि एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि वेक्टर जो दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है, जैसे ये ए है और ये बी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
with A and B two adjacent sides. यानी A cross B को अगर आप ऐसे arrange करें और इससे parallelogram complete करें, B के parallel ही मैंने ये line draw की और A के parallel मैं ये line draw करूँगी. तो ये जो parallelogram है इसका area A cross B के magnitude के equal. ठीक है, ये हमने इसकी एक और characteristics बता दी. अब मैं स्केलर प्रोडक्ट की तरह इसकी भी आपको कुछ फिजिकल एग्जांपल्स देती हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज में जो एग्जांपल्स आती हैं. सबसे पहले एग्जांपल तो वही है जिससे मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था. ये कौन सी एग्जांपल है? टॉर्क, जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. टॉर्क क्या होता है? आर, मोमेंट आर क्रॉस एफ. बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक आप इस पर है, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल इससे समझ आ जाएगी. ये टॉर्क है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है आर, मोमेंट आर की और फोर्स एफ की. ठीक है, इसी तरह आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको पी के लेते हैं और ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है आर की और लीनियर मोमेंटम की एल. ये एंगुलर मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम है, आर जो है वो रेडियस है. ठीक है, तो ये इन दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट होती है एंगुलर मोमेंटम. इसी तरह एक और एग्जांपल है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होती है चार्ज पार्टिकल पर वो डिपेंड करती है एक तो उस पर चार्ज पर, ये एक तो एक नंबर है इससे ये वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वी क्रॉस पी. वी क्रॉस पी ये इक्वल होती है उस फोर्स. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज में से वेक्टर प्रोडक्ट की और इन सब की डायरेक्शन आपको पता है कि आप राइट हैंड रूल के जरिए ही निकालेंगे और इन तीनों का इफेक्ट परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें ये वेक्टर्स लाई करते हैं, जिन दोनों की प्रोडक्ट ये वाला वेक्टर है. ठीक है,